अपने सौर मंडल को इस तरह से देखो तो लगता है कि सब कुछ पास पास सूर्य के चक्कर लगा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि इन सब ग्रहों की सूरज से दूरी बहुत ज्यादा है। ये तो आपको पता ही होगा कि प्रकाश बहुत तेज चलता है, 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। फिर भी सूरज की रोशनी हम तक पहुंचने में 8 मिनट लेती है, इतनी दूर है सूरज। अंतरिक्ष वास्तव में एक विशाल खालीपन है, एक अंधेरा वैक्यूम, और इस अंधेरे खालीपन में चमकते चांद ने हम इंसानों को हमेशा से आकर्षित किया है। चांद के बारे में कुछ फैक्ट्स। अकेला चांद ही है जिस पर अब तक हम इंसान पैर रख पाए हैं। आधुनिक साइंस के अनुसार चांद पृथ्वी से ही बना है। साइंटिस्ट मानते हैं कि एक विशाल एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी का एक टुकड़ा टूटकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। यही टुकड़ा हमारा चांद बन गया। चांद पृथ्वी की तुलना में काफी छोटा, उसका द्रव्यमान पृथ्वी से 81 गुना, 81 टाइम्स कम। इसीलिए चांद का गुरुत्व पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम। चांद की सतह ऊबड़ खाबड़, कहीं ऊंची चट्टाने, कहीं गहरी खाइयां। लेकिन पृथ्वी और चांद में सबसे बड़ा अंतर यह है कि चांद पर लिक्विड पानी नहीं है और ना ही है वातावरण। वातावरण नहीं तो मौसम नहीं, ना तो चांद पर हवाएं चलती है, ना होती है बारिश। चांद का आधा हिस्सा हमेशा सूरज की रोशनी में रहता है और आधा अंधकार में। सूरज से रोशन हिस्से का औसत तापमान 100 डिग्री सेल्सियस और अंधेरी तरफ -173 डिग्री सेल्सियस, कहीं बहुत गर्म, कहीं बहुत ठंडा। पृथ्वी से देखने पर आसमान में चांद चमकता दिखता है, लेकिन सच तो ये है कि चांद पर अपना प्रकाश है ही नहीं, और ये भी सच है कि चांद के ऊपर अंतरिक्ष में अंधेरा ही अंधेरा है। हर मुट्ठी में है साइंस। अब बात चांद के ऊपर कालेपन की, अंधेरे की। ये तो हम देख ही चुके हैं कि चांद के ऊपर गैसों का वातावरण नहीं, उसके ऊपर तो है अंतरिक्ष का खालीपन। ऐसे में सूरज का प्रकाश सीधी किरणों में सीधे चांद पर गिरता है। चांद की सतह पर रोशनी होती है, लेकिन ऊपर अंतरिक्ष का कालापन। एस्ट्रोनॉट्स बताते हैं कि ये एक बहुत ही अजब नजारा है। चांद के ऊपर खड़े हो तो ऊपर बिल्कुल कालेपन में सूरज चमकता है। तो जिसे हम चांदनी कहते हैं वो तो असल में सूरज की ही धूप है जो चांद से टकरा कर हम तक पहुंच रही है। चांद की इतनी बातें तो आज जल्दी से ज्वारभाटा की साइंस भी समझ लेते हैं। पृथ्वी और चांद एक दूसरे को अपने अपने गुरुत्व से खींचते हैं। पृथ्वी का गुरुत्व चांद की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर। ऐसे में पृथ्वी के गुरुत्व से बंधा चांद पृथ्वी की मानो ताल से ताल मिलाकर परिक्रमा करता है। लेकिन दिन में 2 बार चांद अपने गुरुत्व से पृथ्वी के महासागर के जल में उतार चढ़ाव लाता है। चांद के पास वाले महासागर में आता है ज्वार, दूसरी तरफ भाटा।